नमस्कार, स्वागत है द सेकंड वाइफ लजीज खाना पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और पौष्टिक रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसका इंग्रेडिएंट्स है इस तरीके से, और उसे ऐठा के नाम से जाना जाता है, जिसे देहाती भाषा में लोग घोंघा भी कहते हैं। कहीं कहीं इस तरीके का होता है, ये धान के खेतों में अधिकतर मिलता है, बहुत ही फायदेमंद होता है शरीर के लिए। इस तरीके से देखिए, इसको सफाई किया जा रहा है, वो साफ़ करके दिया है, लेकिन बेचने वाला तो ऐसे ही देता है, हम लोग अपने तरीके से इसको साफ़ करते हैं। और ये गांव में मिलता है सस्ते भाव में, लेकिन शहरों में बहुत कॉस्टली मिलता है। इसमें नमक डालने से इसका जो लार होता है सलाइवा के तरह, उसे निकाल देता है नमक। इसको मिलाएंगे और फिर पानी डालते हैं। देखिए, झाग दे रहा है, गंदगी ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये इतना साफ़ हुआ, पहले की अपेक्षा बहुत साफ़ हुआ। ऐसे ही इसको निकाल लेंगे पूरे पानी में से। मैं पानी को दिखाती हूँ आपको कि जी पानी कितना गंदा, पहले निकाल लेने दीजिए पूरा, फिर मैं दिखाती हूँ कि जो पानी इसमें से कितना गंदा निकला है। देखिए ये कितना गंदा है, देख सकते हैं आप। देखिए, ये बहुत ही गंदा है, ये फर्स्ट टाइम का है तो इतना गंदा है। फिर दोबारा करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे दो बार, और इस तरीके से इसको अब नमक नहीं डालेंगे, अब केवल पानी से ही धोते धोते इसको सफाई करेंगे ताकि बिल्कुल फ्रेश हो जाए। और देखिए, सेकंड राउंड में इतना साफ़ हुआ है, पर जब तक ये फाइनली बिल्कुल साफ़ ना आए, पानी जब तक साफ़ ना होगा तब तक देखिए इसमें अभी इतना गंदा निकल रहा है। देख, जब तक साफ़ नहीं निकला तब तक मैं इसको धोती ही रही, लगभग 10 राउंड इसको, 11 राउंड इसको धोना पड़ा है, तब इस तरीके से देखिए अब बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, एकदम क्लीन देख सकते हैं आप। देखिए, ये पानी बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम साफ पानी है। अब इसमें 2 चम्मच के आसपास सरसों तेल डालेंगे, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है उसको काटने के लिए, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिला करके इसको रेस्ट के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा रखा जाएगा, ताकि ये एक तरह से मैरिनेट ही कहिए इसको करने के लिए, इसको ढक करके रख दिया जाएगा। अब मसाला तैयार करते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच चाहिए जीरा पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसको भी डालेंगे, और फिर 1 चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस तरीके से, और टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर इसको मिला लेंगे। इस तरीके से मिला लेंगे, मसाले का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये सारा मसाला है, प्याज चॉप किया हुआ, लहसुन है, अदरक है, दालचीनी है, और एक कबाब चीनी है, और 2 बड़ी इलायची है, लौंग है, जावित्री है, और ये जायफल है छोटा सा टुकड़ा। सबको मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे, सारे मसाले को पीस लेंगे। अब मिट्टी के चूल्हे पर मैं बना रही हूँ, ये बहुत बड़ी ख़ास बात है। मैं अभी तो मोतिहारी में रहती हूँ, लेकिन मैं गांव के तरह दिखाना चाहती हूँ चूल्हे पर। देखिए, जला करके, और कुकर में इसको पहले बॉयल किया जाता है, लेकिन ठंडा पानी में नहीं रखेंगे, गर्म पानी। देखिए, गर्म पानी हो रहा है, बहुत ही इसमें बारीकी से, अंत तक आप वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा, गर्म हो गया तो फिर इसको डाल रहे हैं। देखिए, अब कुकर को बंद कर देंगे, इसको सेट कर देते हैं ताकि गैस बन जाए पूरा,
और इसको सीटी मरवाए हैं, 10 से 12 सीटी मरवाए हैं, इस तरीके से हुआ है ये, देख सकते हैं। लेकिन फिर धोएंगे इसको गर्म पानी में ही, तब तक हम गर्म पानी कर रहे थे उधर कुकर में, और फिर इसको धोएंगे, क्योंकि गर्म पानी से उबाल उबाला हुआ पानी में से निकला है, तो इसको फिर गर्म पानी में ही इसको साफ करेंगे। ठंडा पानी में रखने पर ये इसका थोड़ा सा सिकुड़न आ जाती है, इसी के वजह से इसको गर्म पानी में ही धोया जाता है। इसकी खास ध्यान रखना चाहिए, आप लोग ध्यान देंगे जैसे मैं बना रही हूँ उस तरीके से ठीक रहेगा। और एक ख़ास बात और बताना चाहूँगी, मैं मटके यानी कि हांडी में बना रही हूँ इसको, गर्म होने के लिए। देख सकते हैं एक हांडी गर्म हो गया है, इसमें 5-6 चम्मच सरसों का तेल डाले हैं। ये गर्म हो जाने के बाद में इसको हिलाएंगे चारों तरफ ताकि हांडी में तेल लग जाए। अब इसमें वो जो ईंठा है धो करके रखी हूँ उसको डालेंगे फ्राई करने के लिए, और हांडी है तो इसको आराम आराम से ही चलाना होगा और बहुत सावधानी के साथ बनाना होगा, नहीं तो ये मटके फूट जाएंगे, सब बेकार चला जाएगा। तो देख रहे हैं आप इस तरीके से इसको बना रही हूँ मैं, देखिए कुछ दिख रहा है फ्राई, इसको फ्राई खूब बढ़िया तरीके से यानी कि डीप फ्राई कीजिएगा तभी अच्छा होगा, काफ़ी टेस्टी भी बनता है ये अगर बढ़िया तरीके से बना रहे हैं तो। आप अंत तक देखिए वीडियो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि जी कितने मेहनत के साथ बनाया जाता है इसको। देखिए डीप फ्राई हो गया है, आपको मैं निकाल करके भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से, ये देख सकते हैं, देखिए एकदम बिल्कुल अलग अलग है, सभी के सभी फ्राई अच्छे तरीके से हो चुके हैं। ये देखिए मैं यही दिखाना चाहती, देखिए ये क्रिस्पी है सब। अब हांडी में ये जीरा और तेजपत्ता डाल करके मसाले के लिए फ्राई कर रहे हैं, और जो चॉप्ड प्याज है इसको डाल करके फ्राई करेंगे। बार बार चलाते रहिए, जलना नहीं चाहिए क्योंकि ये लकड़ी का जलावन है तो जल ना जाए, और नमक डाल करके इसको चलाइए, गलेगा। इसमें बहुत ही टेस्टी बनता है, हांडी में की खुशबू ही अलग होती है। 5 मिनट के लिए कवर कीजिए और फिर पलट पलट करके देखते रहिए, चलाते रहिए जब तक ये आपको लगे नहीं कि जहाँ ये सुनहरा हो चुका है, तब तक चलाते रहिए। मेरा ये हो चुका है, इसमें अब मैं ईंठा डाल करके फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ईंठा डालना इसलिए ज़रूरी होता है, प्याज की जो खुशबू होती है वो ईंठा पकड़ता है और नमी लाता है, और जब तक ये अपना कलर छोड़े नहीं तब तक आप बार बार ढक करके पकाते रहिए। ये मेरा मसाला जो मैं मिक्सी में पीसती हूँ टोटल मटेरियल के साथ और पानी के साथ, थोड़ा पानी डाल करके इसको फ्राई करेंगे क्योंकि काफ़ी गर्म है, देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर दिख रहा है, हांडी में भी कितना अच्छा दिख रहा है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, और जैसा बनता है आप अपना अनुभव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर आप शेयर कीजिए। ये मेरा लगभग ऐठा रेडी पोजीशन पर है, लेकिन मैं इसको 5 मिनट के बाद निकाल रही हूँ, देखिए अब ऐसा दिख रहा है, रेडी है। मैं सर्व करके दिखाती हूँ, देखिए चूल्हा मैं बंद कर दी हूँ पूरा, ये चूल्हे पर ही रख करके जितने बार सर्व करना है जिस चीज़ को वो गरम गरम ही सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ मैं आपको रोटी के साथ, पराठे के साथ और भुजा के साथ, तीनों के साथ मैं दिखा रही हूँ। आप लोग भी घर पर आप बनाइए खाइए, और अपना जो भी अनुभव है शेयर कीजिए, ऐसे ही हम नए नए रेसिपी आप लोगों के सामने लाते रहेंगे।
आप सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको हम अच्छे ही वीडियो लेकर के आएंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।